प्रयागराज में अगर गंगा जमुना सरस्वती का संगम है तो यहीं पर साहित्य का समुद्र भी है, और अगर उस समुद्र का मंथन करें तो ऐसे ऐसे दिग्गज नाम बाहर आएंगे जिन्हें सुनकर किसी भी साहित्य प्रेमी का दिल बाग बाग हो जाए। निराला जी, सुमित्रा नंदन पंत, राम कुमार वर्मा, मुंशी प्रेमचंद, अकबर अलाहाबादी, हरिवंश राय बच्चन, धर्मवीर भारती और नए और कितने ऐसे माननीय नाम है जो मैं समय भूल रहा। तो चलिए, कवियों के शहर में, साहित्यकारों के शहर में, स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी कहानियों के शहर में आज मैं अपनी शुरुआत उस खान से करता हूँ जहाँ जो खजाना है उसकी कीमत अनमोल है। आइए। और इस एपिसोड में देखूंगा प्रयागराज का मशहूर संग्रहालय, इतनी खूबसूरत कलाकारी है ना, जाऊंगा कंपनी बाग और दूंगा श्रद्धांजलि देश के वीर चंद्रशेखर आजाद को, नतमस्तक होऊंगा महादेवी वर्मा जी के घर पर, ब्यूटिफुल, और स्वाद लूंगा प्रयागराज के मशहूर समोसों का। प्रयागराज ये सिर्फ एक शहर नहीं, ये एक धरोहर है, एक पूंजी है। अलाहाबाद म्यूजियम में टोटल 16 गैलरीज हैं, 16 गैलरीज, जिसमें ये पहली गैलरी है एंशियंट स्टोन स्क्रप्चर गैलरी। प्राचीन पत्थर की मूर्तियां यहाँ पे डिस्प्ले में हैं, फ्रॉम मौर्य पीरियड टू गुप्त पीरियड, मौर्य पीरियड से लेकर गुप्तकाल तक के, मतलब लगभग 1500 से 2500 साल पुरानी मूर्तियाँ इस गैलरी में आपको दिखेंगी। इस गैलरी का मास्टरपीस है आपके ठीक सामने एक मुखी शिवलिंग, आज से 1500 साल पहले गुप्तकाल में बना हुआ, जिस रूप में आज हम शिवजी की पूजा करते हैं यह स्वरूप 1500 साल पहले इस्टेब्लिश हो चुका था। मैंने कहा था ना, ये वो खान है जिसकी कीमत जो है वो अनमोल है। वाकई 1500 साल पुरानी मूर्ति, वो भी एक ही पत्थर से, और क्या कारीगरी है। और ठीक सामने आपके ये ब्राह्मी स्क्रिप्ट, ब्राह्मी लिपि, हिंदुस्तान की सबसे पुरानी लिपि, मौर्य सम्राट अशोक के जितने भी अभिलेख हिंदुस्तान से मिले हैं सब इसी लिपि में लिखे हुए हैं, और इसको सबसे पहले पढ़ा था 1837 में जेम्स प्रिंसिप ने। आप कर सकते हैं सर इसे। ये सब वही 1500, ये 2500, लगभग 2500 साल, 2300 साल पुराने स्टोन स्कल्पचर रखे हुए हैं। सर ये गांधार जो कि अभी पाकिस्तान में है, आपके सामने 2000 साल पुरानी मूर्ति खड़ी हुई है, ब्लैक स्टोन यूज हुआ है जिसे सीस्ट पत्थर बोलते हैं, ये पत्थर पाकिस्तान की श्वात पहाड़ी पे पाया जाता है। दोनों आँखों के बीच में जो आप बिंदु डॉट देख रहे हैं ये गांधार कला की निजी विशेषता है, मथुरा में नहीं पाई जाती। ओवरऑल इनको तपस्वी साधु वेश में ना बना के किंग वेश में बनाया है। इतनी खूबसूरत कलाकारी है ना। मैं आपको बता रहा था कि दोनों में सीधा अंतर दिखेगा जी, वहाँ पे ब्लैक स्टोन है, यहाँ रेड स्टोन है, वहाँ पे फ्लाइंग हेयर है, यहाँ पे सर्किल हेयर है, वहाँ पे आँख पूरी खुली है, यहाँ पे सेमी क्लोज है, वहाँ पे कान की ये पाली, इसे आर्ट में पाली बोलते हैं, छोटी है, यहाँ पे लंबी है। हमारे एंशियंट लिटरेचर में महापुरुषों के 32 लक्षण बताए गए हैं, 32 सिंबल्स ऑफ ग्रेट पर्सन, क्योंकि ये सब तो मतलब ये मथुरा से, इसमें इलाहाबाद से जुड़े हिंदी साहित्य के जितने भी बड़े नाम हुए और जिनका स्क्रिप्ट या उनके मटेरियल्स जो हमें उपलब्ध हैं वो यहाँ पे डिस्प्ले में हैं। इलाहाबाद ने हिंदी साहित्य के सबसे बड़े नाम आप कर सकते हैं, दारागंज में संगम किनारे इनका घर था, और स्वभाव से ये इतने फक्कड़ स्वभाव के थे कि इनको निराला उपनाम मिला था। अच्छा। राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृत, कुकुरमुत्ता, परिमल, अड़िमा, तुलसीदास, ये सब इनकी फेमस रचनाएँ हैं। ठीक सामने उनकी मैनुस्क्रिप्ट, उनके खुद के हाथ से लिखे हुए कविता आपके सामने रखी हुई है। सर यह है इलाहाबाद संग्रहालय का मुख्य आकर्षण, अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद जी की पिस्टल, कोल्ड कंपनी की बनी हुई 9 mm पिस्टल है,
अंग्रेजों के साथ आखिरी लड़ाई में आज़ाद जी के साथ यही पिस्टल थी, जिसमें उस समय चार बुलेट थे, चार से तीन को अंग्रेजों को शूट किए, लास्ट गोली खुद को मार लिए थे। आज़ाद जी ने यह प्रण किया था कि हम आज़ाद हैं, हमेशा आज़ाद रहेंगे, कभी ब्रिटिश पुलिस द्वारा पकड़े नहीं जाएंगे, उसी वजह से अपनी आखिरी बुलेट को उन्होंने खुद को शूट किया। हाँ, ये मैंने पढ़ा था कहीं पर, उन्होंने कहा था कि मैं कुछ भी हो जाए मैं अंग्रेजों के हाथ में नहीं आऊँगा। जी, ये वही पिस्टल है आज़ाद जी की, कोल्ट कंपनी की बनी हुई। और इनका मेमोरियल भी यहाँ पास में कहीं है ना? ठीक पीछे, इस बिल्डिंग के ठीक पीछे वो प्लेस है जहाँ पे आज़ाद जी शहीद हुए थे। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। चंद्रशेखर आजाद शहीद राम प्रसाद बिस्मिल व शहीद भगत सिंह के साथी थे, ये तो आप और हम सब जानते हैं। और हम सब ये भी जानते हैं कि वो एक ऐसे नौजवान थे जिनके दिल में बस भारत को आजाद देखने का सपना था। मैं अब खड़ा हूं कंपनी बाग में, इसे चंद्रशेखर आजाद पार्क भी कहा जाता है, और इसी पार्क में चंद्रशेखर आजाद ने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। मैं भी पार्क में लगे उनके स्टैचू को श्रद्धांजलि देने आया हूं। और यह स्मारक समर्पित है उस वीर पुरुष को जिसने हमारे देश की आज़ादी के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ वीर योद्धा शहीद चंद्रशेखर आज़ाद की, जो इसी जामुन के पेड़ के नीचे अंग्रेज़ों के साथ लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त हुए। उनके जौहर को मेरा सलाम और उनकी कुर्बानी को मेरा शत शत प्रणाम। आज ये पार्क प्रयागराज के लोगों की फिटनेस और जॉगिंग की सबसे पसंदीदा जगह है। यहाँ की खुली हवा, यहाँ की हरियाली ऐसी है जो आपको प्रयागराज में शायद और कहीं ना मिले। मैं जब इस सफर पर निकला था तो मैं नहीं जानता था कि नमामि गंगे अभियान में मैं खुद को भी गंगा टास्क फोर्स की तरह जुड़ा हुआ महसूस करूंगा। गंगा टास्क फोर्स यहाँ जागरूकता अभियान चला रही है। यूनिफॉर्म पहने ये आर्मी ऑफिसर्स एक मिशन पर निकले हैं, और वो मिशन है गंगा को शुद्ध करना, और उसके लिए ये अलग अलग तरह के कार्यक्रम चलाते हैं। लोगों को शिक्षित करना, उनसे जुड़ना, लोगों के साथ इंटरैक्टिव सेशंस करना, ये सब यहाँ पर होता है। जैसा कि मैं हमेशा कहता आ रहा हूँ, प्रयास जारी है, कदम उठाए जा रहे हैं, और कदम भी ऐसे वैसे नहीं, ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। नमामि गंगे के साथ में सिर्फ एजेंसीज नहीं या सिर्फ आम आदमी नहीं, बल्कि हमारे देश की सबसे सशक्त फोर्स इंडियन आर्मी भी जुड़ी है। अब क्या कर रही है इंडियन आर्मी नमामि गंगे के साथ में, आइए जानते हैं। हाय कर्नल दीपक। हेलो। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से हमारे पूरे देश को इस यूनिफॉर्म पर गर्व है, मुझे भी बहुत फक्र महसूस होता है जब मैं किसी आर्मी वाले से मिलता हूँ, क्योंकि मैं खुद आर्मी बैकग्राउंड से हूँ। मेरे भाई आर्मी में, मेरे डैड आर्मी में थे। अब ये बताएं कि हमारे जो व्यूअर्स हैं वो सोच रहे होंगे कि यार आर्मी वाले तो हमेशा बॉर्डर पर रहते हैं, जो नॉर्मल धारणा है, आप यहाँ गंगा किनारे क्या कर रहे हैं? सबसे पहले तो मैं पूरी दूरदर्शन की टीम को, अपनी समस्त भारतीय सेना की तरफ से और एडिशनल डायरेक्टर जनरल टेरिटोरियल आर्मी की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करना चाहूँगा, और आपको कॉम्प्लीमेंट करना चाहूँगा कि आपने एक राष्ट्रीय मुद्दे को समझा और उसके ऊपर इस कवरेज को आप कर पा रहे हैं। थैंक यू सर। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इंडियन आर्मी इस राष्ट्रीय मिशन के साथ अब जुड़ चुकी है, और ये एक बटालियन 15 फरवरी 2018 से नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, जिसका कि टास्क इसको गंगा रिजुवनेशन और गंगा क्लीनिंग का टास्क है, ये हमारे ऊपर सौंपा गया है। मतलब एक पूरी बटालियन बनाई गई है गंगा को बचाने के लिए। बिल्कुल। अब बटालियन का मतलब होगा कितने लोग? करीबन 500 लोग। हमारे जो मुख्य टास्क है, जो कि एक प्लांटेशन आप कह सकते हैं, पौधारोपण करना, साथ में जन जागरूकता और जन अभियान चलाना, जिसको कि पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन चलाते हैं हम लोग। आपके सामने भी एक एक्टिविटी अभी हो रही है यहाँ पर, जो कि पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन चल रहा है। हम लोग वाटर टेस्टिंग करते हैं, हमारी अपनी एक लेबोरेटरी भी हमने अभी रिसेंटली बनाई है, जहाँ पे हम लोग गंगा में जो STPs और उन नालों द्वारा जो पानी जा रहा है उनकी गुणवत्ता को जांच करते हैं हम लोग। सर, आप जानते हैं हमारे जो दर्शक है ना, बहुत से लोगों ने चैन की सांस भरी होगी अभी कि चलो भैया आर्मी आ गई है, ये काम तो हो गया। तो ये अभी हमको ये मान लेना चाहिए, जो गंगा का जो मुद्दा है जी, जो गंगा स्वच्छता के ऊपर नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा जो काम कर रही है, उसमें इतनी ज़्यादा आपदा आ चुकी थी। मैं थी का वर्ड इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि अभी इसको आज के जो आज का स्वरूप है गंगा का,
वो काफ़ी हद तक पहले से बहुत बेहतर है. एक्चुअली वी आर कॉम्प्लीमेंटिंग द एफर्ट्स ऑफ द नेशनल मिनिस्ट्री ऑफ फ्रीडम गंगा एट अ ग्रास रूट लेवल. जी, वी आर ब्रिंगिंग द मिलिट्री इथोस एट फंक्शनैलिटी. और आम तौर पर ये वो लोग हैं जो ये गंगा के आसपास के इलाकों के रहने वाले लोग हैं, ताकि इनके भागीदारी से, इनके वो जो फौजी काम करने का डिसिप्लिन से करने का तरीका है, और जो आम जनता का जो फौज के ऊपर विश्वास है जी, उसको मद्देनजर रखते हुए हमने इनको अपने साथ मिलाया है. और इस काम को हम लोग अपने ऑब्जेक्टिव को 100% अचीव करेंगे. गंगा के आसपास प्लांटेशन से गंगा के वातावरण को साफ रखना भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट काम है जो लगातार यहाँ हो रहा है. जब मैं इनसे मिला और इनके जज्बे और काम को देखा तो मैं भी बहुत प्रभावित हो गया. नमामि गंगे अभियान ने इस साल कुंभ के दौरान प्रयागराज को विभिन्न रंगों से रंग दिया और शहर की स्वच्छता बरकरार रखने के लिए मोबाइल टॉयलेट्स का इंतजाम किया. अब हम गंगा को साफ रखने के लिए एक शपथ लेंगे, सब इस शपथ को दोहराएंगे पीछे साहब के पीछे, ठीक है. मैं अपने क्षेत्र के गंगा तटीय स्थान को साफ सुथरा रखूंगा. मैं गंगा में कूड़ा कचरा व पॉलिथीन नहीं डालूंगा. मैं गंगा में कूड़ा कचरा नहीं डालूंगा. मैं हमेशा कपड़े के थैले का प्रयोग करूंगा. मैं हमेशा कपड़े के थैले का प्रयोग करूंगा. मैं गंगा में बची हुई पूजा सामग्री व केमिकल से बनी हुई मूर्तियां विसर्जित नहीं करूंगा. जय हिंद, जय हिंद. और आगे मैं जाऊंगा महादेवी वर्मा जी के घर, ताजी हवा लूंगा खुसरो बाग की. जय जय गंगे, जय जय गंगे, नमामि गंगे, नहीं रुकेंगे हम, स्वच्छ करेंगे. तू युग युग से बहती आई, तूने ही हमको पाला है. तेरी उंगली पकड़ चलना सीखा, जीवन तूने ही संभाला है. तेरा कर्ज चुकाना है हमको, कर्तव्य निभाना है. वे मुस्काते फूल नहीं जिनको आता है मुरझाना, वे तारों के दीप नहीं जिनको भाता है बुझाना. ये पंक्तियाँ मेरी नहीं बल्कि उस शख्सियत की है जिनका नाम साहित्य की दुनिया में बहुत ही आदरणीय है. ये पंक्तियाँ महादेवी वर्मा जी की रचना अधिकार से हैं. और इस समय मेरे सामने जो ये घर है, ये वो घर है जहाँ महादेवी वर्मा जी ने अपना अधिकांश जीवन बिताया. ये है वो ड्राइंग रूम. हाँ, उनका बैठक कक्ष यही है जी. यहीं पे वो बैठती थी रोज शाम को जी, 4:30 से लेके 7 तक. तो ये कुर्सी उसी टाइम की, कुर्सी उसी टाइम की है, टेबल उसी टाइम की है, तख्त उसी टाइम की है, ये टेबल भी उसी टाइम की है. यहाँ पे अज्ञे जी, दिनकर जी, नागेंद्र जी, ये सब लोग आते थे, फादर कामिल बुलके. इनका जीवन की कहानी भी एक बड़ी विचित्र सी, एक बड़ी विचित्र सी है. हाँ, बहुत विचित्र. उनका बाल विवाह हुआ था, बाल विवाह हुआ था, फिर वो गई नहीं. सेकंड मैरिज जो प्राचीन परंपरा के आधार पे होती थी, फिर उसको एक्सेप्ट उन्होंने नहीं किया पढ़ने लिखने का रुझान होने की वजह से. थोड़ा सा हायर लेवल में गई तो महात्मा गांधी जी के संपर्क में आई. अच्छा, महादेवी जी का लिखने के अलावा और क्या क्या शौक थे, क्या कैसे समय बिताती थी, क्या करती थी? दूसरा, जैसे जीव जंतुओं से उनको बहुत ज्यादा लगाव था. बहुत, ये सब कुत्ते जो आप देख रहे हैं वो आज की डेट में भी वो पले हुए हैं, खाली उनको याद करके कि उन्हें ये पसंद था, ये उनका भवन है तो रहने चाहिए. बाकी तोता या गिलहरी हम लोग पाल नहीं सके, मोर भी पाला था उन्होंने, गाय भी पाली थी उन्होंने. मैं कहीं ये भी पढ़ रहा था या कहीं सुना मैंने कि जो चित्र भी बनाती थी. मुझे लगता है कि हिंदी साहित्य में तो कोई नहीं है मतलब उस लेवल का चित्रकार. जैसे बंगला साहित्य में भी देखेंगे तो टैगोर ने चित्रकारी करी, बहुत ज़्यादा की है.
हिंदी में महादेवी जी के समकक्ष कोई ठहरता ही नहीं है। अगर कंपेयर आप कभी करें, साहित्यकार थी, लिखती थी, चित्र बनाती थी, खाना बनाती थी, कितना टैलेंट था, जबरदस्त टैलेंट। ऐसे खोलते जाएंगे तो पूरी जितनी कविताएं होंगी इसमें हर का रेखा चित्र। अरे ब्यूटीफुल। बचपन से ही मैंने महादेवी वर्मा जी के बारे में सुना है, उनकी कुछ लेखिकी पढ़ी भी है, इसीलिए जब मैं उनके शहर में था तो मैंने सोचा कि उनके घर के दर्शन के बिना मैं इस शहर से नहीं जाऊंगा। मुझे यहाँ बुलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, उससे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये मेरे लिए एक अगेन एक यादगार मोमेंट है। खुसरो बाग मकबरा, लाल पत्थर से बने ये गुंबद और लगभग 40 एकड़ तक फैले ये गार्डन मुगलिया आर्किटेक्चर की एक खूबसूरत मिसाल है। यहाँ पर शाह बेगम, खुसरो मिर्जा और निथार बेगम के मकबरे। और आगे स्वाद उठाऊंगा दूध से बने मीठे पकवानों का। लाइट तो नहीं लेकिन टेस्ट बहुत टाइट है। और साथ ही मैं चखूंगा चटपटे समोसे। जय जय गंगे, जय जय गंगे, नमामि गंगे, नहीं रुकेंगे हम, स्वच्छ करेंगे। तू युग युग से बहती आई, तूने ही हमको पाला है, तेरी उंगली पकड़ चलना सीखा, जीवन तूने ही संभाला है, तेरा कर्ज चुकाना है हमको, कर्तव्य निभाना है। दिन भर प्रयागराज घूमने के बाद मेरी इंटेलेक्चुअल भूख तो शांत हो गई है, लेकिन मेरे पापी पेट की भूख जाग उठी है। इसीलिए मैं आ गया हूं प्रयागराज की खाऊ गली में, जहां दूध से बने हैं कई किस्म के पकवान। नमस्कार। नमस्कार जी। अच्छा ये बताएं कि ये है क्या क्या, क्या क्या नाम है इन सबके? ये मलाई मक्खन है। मलाई मक्खन है। ये मलाई का गिलोरी है। मलाई की गिलोरी है। हाँ जी। ये पनीर है। वो भी मलाई से बनता है। प्योर प्योर प्योर। और ये क्या है? ये मलाई का खुरचन। ये सब मलाई से बनी हुई चीजें हैं। यस। ये मलाई का राबड़ी। हाँ। मलाई का पेड़ा। क्या बात है। आइए मैं बोले गाजर में भी मलाई डलती है। गाजर में भी मलाई, घी पड़ता है। अरे बाप, ये काली गाजर का हलवा और ये लाल गाजर का हलवा। ये हमारा पनीर खाइए, आपको कहीं भी ये स्वाद नहीं मिलेगा। ये पनीर अच्छा, ये मीठा है या सादा पनीर? ये नमकीन है, खाइए। ये बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ हाँ, ये कहीं नहीं मिलेगा आप। ये पनीर का कमाल है, ये दूध का कमाल है, ये आपका कमाल है? ये किसी का नहीं, बस दूध का कमाल है। कमाल, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। अच्छा ये बताएं मीठे में क्या खाऊं? मीठे में आप मलाई का गिलोरी खाइए। पर ये बहुत ज़्यादा मीठा तो नहीं होता? नहीं, हल्का। तो बिल्कुल इतना ज़रा सा पीस दीजिएगा मुझे, इसी में दीजिए ना। अरे नहीं। अच्छा, अरे इतना बड़ा पीस तो मैं नहीं खा पाऊंगा। अरे खा लीजिएगा बिल्कुल। आप मरवाइएगा? नहीं मरवाएंगे नहीं। कल सुबह मुझे दौड़ने जाना पड़ेगा। नहीं दौड़ने जाना पड़ेगा, बहुत लाइट है, इतनी मलाई है। लाइट।
है लाइट लाइट नहीं लेकिन डिलीशियस बहुत टाइट है। आपने गड़बड़ कर दिया, आपने खिला के क्यों खाना पड़ेगा पूरा। यहाँ के आलू के बने समोसे बड़े ही मशहूर हैं। ये दावा करते हैं कि इनके समोसे और नमकीन लंबे समय तक आप रख सकते हैं, ये खराब नहीं होते। नमस्कार। नमस्ते। बड़ी मेहनत करके यहाँ पहुँचा हूँ, बड़ी यातना करनी पड़ी। पर ये बताएं, इतने लोगों ने मुझे बोला कि हरी बाबू के पास जरूर जाइएगा, यहाँ की क्या खासियत है जो इसके बारे में लोग इतनी चर्चा करते हैं? सबसे बड़ी विशेषता ये है कि मेरी दुकान 1890 की है। 1890 से चली आ रही है? जी हाँ, और ये हमारी तीसरी पुश्त है। क्या बात है। दूसरी चीज, हमारे आलू के समोसे होते हैं। हाँ, मुझे किसी ने बताया था कि लेके जाओ, महीने भर तक खराब नहीं होंगे। पर ऐसा कैसे हो सकता, आलू खराब ही नहीं होता अंदर? वो हम लोग ऐसा है, उसका आलू का भुजाई इतनी अच्छी करते हैं कि, और उसका जो मिक्सचर वगैरह इतना अच्छा बनता है कि उसको हम लोग 20 से 25 दिन तक खराब नहीं होने देते, जबकि उसमें कोई केमिकल प्रयोग नहीं होता। नहीं, अब सबसे बड़ी विशेषता ये है हमारे यहाँ कि जो भी सामान होता है, जितने भी मसाले होते हैं, उसको हम लोग अपने हाथ से स्वयं मेंटेन करते हैं, बनाते हैं। हमारे आदमी कर्मचारियों को ये नहीं पता कि इस मसाले में क्या है। ये हुई ना बात, मालूम है कहीं ना कोई ट्रिक तो आपकी जेब में होगी। जी, सबसे पहली बात तो ये है कि हमने अपने क्वालिटी से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया। जी, पुराने ज़माने के जो लोग थे उन्होंने भी इसको बहुत लाइक किया, बहुत पसंद किया इस मसाले को, इस सामान को। और सबसे बड़ी खासियत ये है, उसके बाद भी 128 साल के बाद जो नई पीढ़ी आई है, जो भी आज, इसके मजे ले रही। आज भी वो उतना ही पसंद करती है। और ये देख रहा हूँ कितने सारे आपके पास यहाँ पे रेगुलेशन हैं। जी, ये सब जो है सारे हमारे पे गवर्नमेंट, मेरा ट्रेडमार्क भी है। अच्छा, ये भारत सरकार का जो है, और ये सब ट्रेडमार्क, तो ये सब हमको, ये इसका अवार्ड भी हमको मिला है। क्या बात है, ये चलती रहे पुश्तों से, और भी अगली आने वाली पुश्तें चलाती रहे जगह को, और आपके ग्राहकों को इसी तरह से संतुष्टि मिलती रहे, यही मेरी दुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे पैसे वसूल हैं यहाँ पे आने के, बहुत बहुत शुक्रिया। डब्बे पैक करा दीजिएगा, पर डब्बे लेके जाऊँगा। प्रयागराज में जैसे होली के दिनों में भांग की पकौड़ी, भांग छना दूध और ठंडाई आपको रंगों की मस्ती में डुबो देती हैं, वैसे ही यहाँ की जलेबी, गाजर का हलवा और गरम गरम रबड़ी वाला दूध भी आपको तरोताजा कर देता है। नमस्कार। नमस्कार जी, कैसे हैं? तो बताएं, क्या, वैसे तो मैं सब कुछ खा चुका हूँ, ऐसी क्या नई चीज़ है जो मैं खाऊं? आप दही और जलेबी खाइए। दही और जलेबी? जी, ये प्रयागराज है जी, देखिए प्रयागराज के टेस्ट देखिए, आप यहाँ के स्वाद देखिए। ये क्या डाला आपने? रोज वाटर, गुलाब जल। गुलाब जल, बहुत बहुत शुक्रिया। ये मैं अपने कैमरामैन दोस्त को खिलाऊंगा। बहुत बढ़िया, ये तो गंगा माई की कृपा है। गंगा माई, इसका स्वाद ना आप लोगों के प्यार की वजह से दुगना हो जाता है। तो मुझे लगता है कि मुझे यहाँ से पतली गली देखकर निकल जाना चाहिए, क्योंकि इतना प्यार और इतनी मिठास, अगर मैं यहाँ पर खड़ा रहा तो मुझे लगता है कि मैं शायद यहाँ से निकल ही नहीं पाऊंगा। इतना स्वादिष्ट भोजन, इतनी मोहब्बत, इतना प्यार, इतना दुलार। और ये देखिए सर, थैंक यू। तो इससे पहले कि और गड़बड़ हो और मुझे अगले दिन, यानी कि कल मुझे 15 किलोमीटर दौड़ना पड़े, मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। यूं तो जीवन लम्हों से बनता है, पर हर लम्हे में एक जीवन होता है, इसीलिए हर लम्हे को जीना कभी मत भूलिएगा। त्रिवेणी संगम को अलविदा कहने का वक्त आ गया, पर परंपराओं के शहर में मेरे सफर की एक परंपरा है जो अभी बाकी है। प्रयागराज इस त्रिवेणी संगम से गंगा का पानी, और एक बार फिर भर लिया मैंने गंगा जल, एक बार फिर प्रणाम किया गंगा को, और एक बार फिर यहां आने की हसरत लिए मैंने इजाजत ली इस संगम से।
धरा पर जब से